गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में फ्रेंड आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 15 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं हम उन्हें के करके यहाँ पे देखेंगे तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे के प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं कल मैंने आपसे आर्टिमस मिशन के बारे में पूछा था कि आर्टिमस मिशन जो है वो किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है तो आर्टिमस मिशन जैसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है और जो कि किससे संबंधित है चंद्रमा से तो आर्टेमिस चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो नासा है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है वर्ष दो तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है ठीक है हमने क्या बोला अगला पुरुष यानी कि इसके पहले भी एक पुरुष जा चुका है चंद्रमा के सतह पर ठीक है और पहली बार जो है इस मिशन के तहत आर्टिमस मिशन के तहत पहली बार चंद्रमा के सतह पर महिला को भेजा जाएगा और मिशन का लक्ष्य क्या है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सहित चंद्रमा की सतह पर अन्य जगहों पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना तो ये सबसे पहले जो अभी तक देखा जाए कोई भी मिशन जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे नहीं गया है तो आर्टेमिस मिशन के तहत जो है नासा प्रयास करेगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भी जाया जाए जा, और अन्य क्षेत्रों पे भी चंद्रमा के अन्य जगहों पर भी जाया जाएगा इसके पहले जैसा कि हमने बोला अगला पुरुष तो इसके पहले जो सबसे पहले जो है चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले जो पहले मानव थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग तो नील आर्मस्ट्रांग 1969 में अपोलो मिशन के तहत जो है इन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था अमेरिका से ही संबंधित है ये तो ये कुछ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं खासकर आर्टिमस मिशन काफ़ी चर्चा में रहा था तो एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए अब हम आते हैं आज के सेशन पर और सबसे पहला प्रश्न है हमारा आज के सेशन का कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई गई है केरल कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर इज पी ठीक है कर्नाटक राज्य में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है तो परिवहन मंत्री हैं श्री श्री बी श्री रामलू के अनुसार देखा जाए तो ठीक है तो परिवहन मंत्री बी श्री रामल्लू के अनुसार कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में एक नए कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय यानी कि स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की योजना बनाई जा रही है ठीक है बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है और ये देखा जाए क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए इस कौशल विश्वविद्यालय की जो है योजना बनाई जा रही है ध्यान रखिएगा समावेशी विकास सबसे पहले ये एक टर्मोलॉजी है समावेशी विकास क्या होता है दोस्तों एक तरीके से समावेशी विकास जो है ना ये भी विकास की एक प्रक्रिया है और इसके तहत जो है इस विकास की प्रक्रिया में देखा जाए सभी लोग चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो या फिर किसी भी क्षेत्र से किसी भी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो जैसे कि कोई महाराष्ट्र से है कोई उत्तर प्रदेश से है कोई बिहार से किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो और या फिर अर्थव्यवस्था के कि किसी भी सभी कार्यों में लगे हों जैसे कि कृषि कार्य हो गया उद्योग हो गया सेवा हो गया देश के आर्थिक विकास में इन सभी लोगों का क्या हो बराबर का योगदान हो यानी कि जब देश का विकास हो रहा हो तो ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर तबके की वजह से देश का विकास हो रहा हो देश के विकास में जब सभी लोगों का हर आधार पर अमीर गरीब हो चाहे किसी भौगोलिक क्षेत्र से हो चाहे वो किसी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से जुड़ा हो इन सभी लोगों के वजह से जब देश का विकास होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं जो है समावेशी विकास ठीक है तो एक तरीके से देश के सभी वर्गों का बराबर योगदान रहता है और इस विकास से जो है सभी वर्ग क्या हो लाभान्वित हों ऐसे विकास को क्या कहा जाता है समावेशी विकास और इसी उद्देश्य के तहत जो है कर्नाटक में जो है कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है तो इस विश्वविद्यालय जो है यह विश्वविद्यालय इसलिए खोला जाएगा क्योंकि सभी क्षेत्रों में नई तकनीकी को अपनाने की जरूरत है जैसा कि जान रहे टेक्नोलॉजी की जो है इस समय इस्तेमाल हर क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है तो टेक्नोलॉजी से संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए तभी आप जाकर के किसी विकास के क्षेत्र में जुड़ सकते हैं तो इससे पिछड़े में पिछड़े क्षेत्र में परानुमुखी परियोजनाओं की ज़रूरत है नई पीढ़ी और युवाओं को नवीनतम कौशल से लैस करने के लिए कौशल विकास विश्वविद्यालय की आवश्यकता ठीक है थीके? तो जो नई पीढ़ी आ रही है जो युवा है और उनको क्या है जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है नवीन जो कौशल आ रहे हैं नवीनतम कौशल आ रहे हैं उसको वो है उस कौशल से ये जो वाकिफ हो उनको ये सारी टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान हो जिससे कि वो एक तरीके से देश के विकास में अपना योगदान दे सके इसी उद्देश्य के तहत जो है कर्नाटक में देखा जाए तो स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खोले जाने की जो है योजना बनाई जा रही है ठीक है अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस राज्य में बेरोजगारों में आत्महत्या करने वालों की संख्या सबसे अधिक है कर्नाटक उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश या फिर केरल करेक्ट आंसर इस देखा जाए यहां पे ये भी कनेक्ट जो कि कर्नाटक में ही तो वहां पे देखा जाए बेरोजगारों में सबसे ज्यादा जो आत्महत्या करने के जो केस आए हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार तो वो आए है, हैं कर्नाटक में आए हम तो यहाँ पे देखा जाए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ठीक है के आंकड़ों के अनुसार पहले महामारी वर्ष 2020 में बेरोजगारों के बीच आत्महत्या की सबसे अधिक संख्या देखी गई तो इससे महामारी के कारण देखे होंगे बहुत से लोगों की नौकरियां छूट गई बहुत से लोग बेरोजगार हो गए और इस बेरोजगारी के कारण लोग बहुत ज़्यादा अवसाद ग्रस्त हो गए जिसकी वजह से आत्महत्या की दरों में क्या हुआ बढ़ोतरी देखने को मिली है आत्महत्या करने वाले आंकड़ों को देखा जाए पहली बार देखा जा रहा है कि तीन हज़ार ये आंकड़े तीन हज़ार को पार कर गया है ये आंकड़ा ठीक है पहली बार ऐसा देखा जा रहा है राज्य गृह मंत्री राज्य मंत्री जो है नित्यानंद राय के लिखित उत्तर के अनुसार देखा जाए तो 3548 लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई है 2020 में जो आत्महत्या करने वालों की कुल संख्या कितनी थी 1.53 लाख थी जबकि 2019 में देखा जाए तो 1.39 पॉइंट थ्री जो थी वो थी ठीक है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ष 2020 में जो है आत्महत्या करने वालों लोगों की संख्या बढ़ी है वर्ष 2018 से बीस 20 के बीच में देखा जाए तो यहाँ पे इन दो सालों के दौरान जो दिवालियापन और कर्ज के जो आत्महत्या के मामले थे उसमें देखा जाए तो सोलह यहाँ पे सिक्सटीन लोगों ने जो है आत्महत्या किया है दिवालिया और कर्ज के कारण यहाँ पे जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देखा तो बेरोजगारों में जो आत्महत्या करने वाले में जो सर्वाधिक संख्या रही है वो कर्नाटक में रही है सात थी ठीक है सबसे ज्यादा कर्नाटक में जो आत्महत्या हुई है बेरोजगारी के कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार और यहाँ पे देखिए वर्ष 2020 में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है 625 अंक के साथ देखा जाए और तमिलनाडु देखा जाए 336 है असम में तीन है उत्तर प्रदेश का देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो यहाँ पे दो जो है आत्महत्या हुई है किसके कारण बेरोजगारों में ठीक है आत्महत्या की जो संख्या रही है और यहाँ पे जो कर्ज और दिवालियापन के कारण जो आत्महत्या के मामले आए हैं उसमें जो शीर्ष राज्य रहा है यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र यहाँ पे अगर बेरोजगारों में जो है आत्महत्या के मामले में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है लेकिन अगर बात किया जाए कि कर्ज और दिवालियापन के कारण जिन लोगों ने आत्महत्या की है इसमें भी देखिए सर्वाधिक संख्या किसानों की रही थी ठीक है तो यहाँ पे आपको पता ही है महाराष्ट्र वगैरह विदर्भ वगैरह के क्षेत्र में कितने किसान आत्महत्या करते हैं तो किसानों की संख्या यहाँ पे बहुत रही है और यहाँ पे महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान पर रहा है दिवालियापन और कर्ज के मामले में कितने 1341 सबसे ऊपर दूसरे नंबर पे कर्नाटक का जा रहा है एक हज़ार पच्चीस देखा जाए फिर तेलंगाना तीसरे स्थान पे है नाइन फोर सेवन अंकों के साथ फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है सेवन एट टू अंकों के साथ और फिर तमिलनाडु है पांच सौ चौबीस अंकों के साथ ठीक है तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए ठीक है यहाँ पे आप आंसर भी थोड़ा फ्रेम कर सकते हैं कि क्या कारण है कि इतना लोग जो है अवसात ग्रस्त हो रहे हैं और किस तरीके से अपने मेंटल जो हेल्थ को टैकल नहीं कर पा रहे हैं युवाओं में क्या ऐसा कारण है तो ये सारे प्रश्न भी आपके माइंड में बनने चाहिए कि क्या ऐसा कारण है तो ये देखिए पे हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं ठीक है थीके? अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि माफ हाल ही में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है 2023, 2024, 2025 या फिर 2026? तो देखिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की जो है अवधि को बढ़ा दिया गया है और ये कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है तो 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पे चार हजार छह सौ करोड़ के आवंटन के साथ देखा जाए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसके समय देखिए क्या रहेगा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का तो 2021 हजार से लेकर के 2025-26 तक रहेगा ठीक है ये जो है ये योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रशासित होती है तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रशासित होती है ये योजना कौन सी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना उद्देश्य क्या है इस योजना का तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास और उन्नति का कार्य करना ठीक है तो इस योजना का देखा जाए जा जो मतलब खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि अगर देखा जाए तो अनाज का एक तरीके से सही जैसे कि आपने खेतों में अनाज लगाया और फिर अनाज को प्रॉपर वे में किस तरीके से मार्केट तक पहुंचाना ठीक है उसकी प्रोसेसिंग करना ये जो है योजना के तहत जो है ये सारी चीजों को कवर किया जाता है इस योजना की शुरुआत देखा जाए दो मई दो में हुई थी केंद्र सरकार ने छह करोड़ रुपए का वंटन के साथ संपदा योजना शुरुआत में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का नाम क्या था संपदा यानी कि कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए योजना इसकी शुरुआत की गई थी तो संपदा योजना की ध्यान रखेगा नाम जो है शुरुआती नाम संपदा था मई 2017 तो में इसको लॉन्च किया गया था और फिर आगे चल करके अगस्त 2017 में इस योजना का नाम बदल दिया गया और क्या वर्तमान नाम हो गया प्रधानमंत्री देखा जाए किसान संपदा योजना इसका वर्तमान नाम हो गया योजना जो है खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को बढ़ावा देगी साथ ही किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने और रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करने में भी मदद करेगी ठीक है तो जैसा कि आप जानते हैं प्रोसेसिंग यूनिट जब सेट होगा

जब वो किसानों को एक तरीके से मान लीजिए कि किस मान लीजिए किसानों ने टमाटर की खेती की टमाटर को किस तरीके से कैचअप में कन्वर्ट करना है ठीक है तो ये क्या एक प्रोसेसिंग है इसके तहत किसानों की आमदनी भी बढ़ गई साथ ही साथ प्रोसेसिंग यूनिट जब कहीं भी सेट होता है तो वहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं ठीक है तो रोजगार भी बढ़ेगा उस क्षेत्र में तो यह है कि एक तरीके से बहुमुखी हमें दिख रहा है कि प्रधानमंत्री किसान जो है किसान संपदा योजना के तहत ना सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि यहाँ पर रोजगार के भी बड़े अवसर जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं ठीक है

अवसंरचना ऑपरेशन ग्रीन योजना अनुसंधान एवं विकास योजना ये सारी योजना जो है इसके तहत जो है उपयोजना है जिनकी अवधि का विस्तार किया गया ठीक है आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू किया गया है केरल पंजाब महाराष्ट्र तेलंगाना करेक्ट आंसर इस सी है आप देखें महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं बहुत से लोगों को जैसे कि ऋषि कपूर हो गए देखा जाए इमरान खान बहुत से ऐसे सेलिब्रेट कैंसर के कारण जो है इन लोग की मौत हुई है तो बहुत से आप देखेंगे वहाँ पे कैंसर के केसेस बहुत आते हैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने होप एक्सप्रेस वे जो है योजना शुरू किया जिसका उद्देश्य किया है कैंसर को रोकना ठीक है तो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है कि कैंसर को रोकने के लिए राज्य में होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी उन्होंने यह घोषणा कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में मोजेक थ्री रेडिएशन मशीन शुभारंभ के अवसर पर किया तो उन्होंने एक कोल्हापुर में एक निजी अस्पताल में वो गए थे उनके द्वारा जो है एक मोजेक थ्री रेडिएशन मशीन का शुभारंभ किया गया और इसी अवसर पे उन्होंने जो है होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा किया जिसका उद्देश्य क्या कैंसर को रोकना और ध्यान रखिएगा ये है भारत अपनी तरह की पहली मशीन है ठीक है राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री ने जिला योजना के माध्यम से राज्य के हर जिले में होप एक्सप्रेस शुरू करने की पहल करने का वादा किया है ठीक है क्योंकि महाराष्ट्र की बात करें महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों क्या है मुंबई में कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि मुंबई जो है वो किस द्वीप पर स्थित है ठीक है महाराष्ट्र के वर्तमान जो है राज्यपाल कौन से है भगत सिंह कोश्यारी जो है यहाँ के राज्यपाल है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ठीक है थीके? आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के शत प्रतिशत इस्तेमाल का लक्ष्य रखा गया यानी कि डीजल को हटा करके पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा कृषि क्षेत्र पे और इसका लक्ष्य का वर्ष तक रखा गया है तो 2023-2024-2025 दो, दो, दो या फिर दो तो करेक्ट आंसर इज बी ठीक है 2024 तक जो है सरकार जो है जो आपका देखा जाए तो बिजली जो है मंत्रालय है उसने ये घोषणा किया है कि 2024 तक डीजल को पूरी तरीके से हटा करके कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का जो है शत प्रतिशत इस्तेमाल किया जाएगा तो बिजली मंत्री हैं आर के सिंह ने घोषणा किया है कि भारत 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के इस्तेमाल का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा ठीक है इन्होंने ये घोषणा किया है कि अब इसकी जगह क्या होगा नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा कि जो है डीजल की जगह जैसा कि आप जानते हैं डीजल जो है बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण को भी कर बढ़ाता है ठीक है तो यहाँ पे इस तरह जो है भारत वर्ष दो तक कृषि क्षेत्र में शून्य डीजल उपयोग के लक्ष्य को हासिल कर लेगा ठीक है तो कृषि क्षेत्र में पूरी तरीके से जो आप देखते होंगे कि ट्यूब वगैरह में जो है डीज़ल का इस्तेमाल किया जाता है जो सिंचाई में जो मशीनों का इस्तेमाल तो डीज़ल का इस्तेमाल ठीक है पंपिंग जो सेट जो चलाते हैं आप लोग अगर जो लोग ग्रामीण तबके से होंगे जहाँ पे कृषि कार्य होता होगा उन्हें बेहतर पता होगा कि बहुत सारी चीज़ों में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है तो एक तरीके से वो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता है तो उस तरीके उसको पूरी तरीके से हटा करके हम नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल नवीकरणीय ऊर्जा में जैसे कि जो है सिंचाई पंप है ठीक है सिंचाई पंप क्या होगा सौर जो है सिंचाई पंप सोलर इरिगेशन पंप का इस्तेमाल किया जाएगा और ध्यान रखिएगा जो बिजली मंत्रालय ने किसानों को डीजल से चलाने वाले सिंचाई पंपों के स्थान पर सौर संचालन वाले सिंचाई पंपों के इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है ठीक है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सौर पंप को जो है इस्तेमाल किया सरकार जो है जो अब जो है कई जो सोलर पंप योजनाएं भी चला रही है जैसा कि आप जानते हैं जैसे कि राजस्थान सरकार के भी द्वारा किया जा रहा है सोलर पंप योजना चलाई जा रही है इस योजना के तहत किसानों को जो है सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों के लिए आर्थिक मदद सरकार मुहैया करा रही है राज्य सरकार ने भी सोलर पंपों के लिए जो है सोलर सिंचाई पंप को स्थापित करने के लिए सब्सिडी देना शुरू किया है ठीक है इसी में जैसा कि हमने बताया राजस्थान सरकार ने भी ऐसा किया है तो एक तरीके से पूरी तरीके से शून्य डीजल ठीक है इस्तेमाल होगा पूरी तरीके से डीजल को हटा दिया जाएगा और जो है रिनेबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा कृषि कार्यों में ठीक ऊर्जा मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से देश के ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की अध्यक्षता की बैठक का उद्देश्य क्या है जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करना ठीक है तो ये जो है एक तरीके से जो प्रतिबद्धता जो लक्ष्य रखा गया उसमें राज्यों की भी भूमिका हो और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक बुलाई गई जिसके अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री ने किया वर्चुअल माध्यम से और उसमें ये लक्ष्य रखा गया कि 2024 तक डीजल को हटा करके पूरी तरीके से रिन्यूबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा किसमें कृषि क्षेत्र में ठीक है अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा री इमेजिनिंग म्यूजियम ग्लोबल समिट 2022 का आयोजन किया, uh, किया जा रहा है और यह ध्यान रखिएगा फर्स्ट ग्लोबल समिट है री इमेजिनिंग म्यूजियम ग्लोबल समिट और ये किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है संस्कृत मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय करेक्ट आंसर ए है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है तो केंद्रीय मंत्री जो केंद्रीय संस्कृत जो केंद्री, जो केंद्री, मंत्रालय जो है अभी आज से इसकी शुरुआत हो गई है इस यहाँ पे तो यहाँ पे देखा जाए पंद्रह से सोलह फरवरी दो हजार बाईस को री इमेजनिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है कौन सा मंत्रालय केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा जो है किया जाएगा और ग्लोबल समिट का जो आयोजन किया जा रहा है वो ब्लूमबर्ग के साथ साझेदारी के साथ किया जा रहा है यह वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों व रणनीतियों पर चर्चा के लिए भारत और पूरे विश्व के संग्रहालय विकास व प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रण दिग्गजों क्षेत्र के विशेषज्ञों और इनमें काम करने वालों को एक साथ लाया जाएगा शिखर सम्मेलन में देखा जाए तो 26 संग्रहालय विज्ञानी और संग्रहालय पेशेवर भाग लेंगे जो संग्रहालयों के लिए नई प्राथमिकताओं और प्रथाओं पर बात करेंगे ठीक है ये था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने आई और आई नीति का अनावरण किया है केरल महाराष्ट्र गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर सी है गुजरात सरकार के द्वारा जो है नई आईटी IT और आईटीईएस नीति का अनावरण किया गया है तो इसकी व्याख्या अगर देखें तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल ने नई आईटी IT और आईटीएस नीति 2022-27 ठीक है अनावरण किया है जो राज्य में नए इन्वेस्ट करने वाले आईटी फर्मों को पूंजी और जो है परिचालन सहायता दोनों प्रदान करेगी तो उसके साथ जो कुछ भी आईटी फर्म्स होंगे जो राज्य में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा पूंजी और साथ ही साथ परिचालन सहायता जो है उनको प्रदान किया जाएगा और साथ ही अगले पाँच सालों में एक लाख नए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने का वादा करती है ठीक है यह नई नीति इस नई नीति के तहत देखा जाए जो नई नीति है यह देखा जाए तो 2016 से 21 के उस नीति की जगह लेगी जिसे पिछले पांच सालों में दस लाख नौकरियों देने का वादा किया गया था यह नीति पूंजीगत व्यय करने की इच्छुक संस्थाओं को दो करोड़ रुपए तक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी इससे करीब एक लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा ठीक है ये नीति में देखा जाए तो कैपेक्स यानी कि निजी पूंजी ओपेक्स यानी कि परिचालन मॉडल के तहत ये एक अनूठी अवधारणा पेश करती है इसके तहत छोटे से मध्यम आकार की परियोजनाओं के लिए 25 प्रतिशत से 50 करोड़ रुपए तक के कम्पैक्स देखा जाए तो कैपेक्स सहायता और बड़ी परियोजनाओं के लिए देखा जाए तो 200 करोड़ रुपए की सहायता जो है प्रदान किया जाएगा ठीक है तो कौन सा राज्य है जिसने नई आईटी और आईटीएस नीति का अनावरण किया है तो यह है गुजरात ठीक है गुजरात की जब बात करते हैं गुजरात जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है गांधीनगर है यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है आचार्य देवव्रत जो है वो गुजरात के राज्यपाल हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जिनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा भी किया अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स दो में भारत का कौन सा स्थान भारत को कौन सा स्थान मिला है फोर्टी सिक्सवा या फिर देखा जाए तो छियालीसवां है पचासवां है पचपनवा या फिर साठवां है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है छियालीसवां स्थान मिला है भारत को डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में आई इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले देखिए इस इंडेक्स को जारी कौन करता है तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट के द्वारा जो, जो है डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है और इस बार जो है वर्ष जो है दो का जो इंडेक्स आया है डेमोक्रेसी यहाँ पे डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कितने अंक मिले हैं 6.9 है, अंक मिले हैं 91 अंक मिले और इस अंक के साथ जो भारत वो वा, छियालीसवें स्थान पे रहा है रिपोर्ट में दुनिया के जो है 167 लोकतांत्रिक देशों में केवल 21 को ही पूरे लोकतांत्रिक कहा गया है सिर्फ 21 देश हैं जो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक हैं ठीक है रिपोर्ट में जो है सबसे बेहतर जो है लोकतांत्रिक देश किसे बताया गया है नॉर्वे को बताया गया है और इस सूची में नॉर्वे का सर्वोच्च स्थान है कितने अंकों के साथ तो 9.75 अंकों के साथ जो है नॉर्वे पहले स्थान पे दूसरे स्थान पे 9.37 अंकों के साथ जो है न्यूजीलैंड जो है वो दूसरे स्थान पर यहाँ पे देखा जाए भारत और अमेरिका को देखें क्या बताया गया है त्रुटिपूर्ण वाले देशों की जगह यहाँ पे दिया गया और अमेरिका का स्थान छब्बीसवां है पड़ोसी देश देखा जाए कौन देखा जाए तो यहाँ पे जो हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पड़ोसी देश पाकिस्तान को यहाँ पे देखिए मिल्स है तो पाकिस्तान को जो है 104 रैंक के साथ हाइब्रिड शासन में काफ़ी नीचे रखा गया है ठीक है रिपोर्ट को देखिए पांच आधारों पर बनाया गया है तो रिपोर्ट को देखा जाए लोकतांत्रिक देशों की पांच बातों को आधार बनाया गया है जिसमें से देखा जाए कि वो देश किस तरह की चुनावी प्रक्रिया प्रक्रिया को अपनाता है वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार है उन लोकतांत्रिक सरकारों की किस तरह की कार्य प्रणाली है और किस तरीके से वहाँ के लोगों की जो है राजनीति में भागीदारी यानी कि राजनीतिक भागीदारी है किस तरीके से उनकी जो है राजनीतिक संस्कृति और नागरिकों को किस तरीके की स्वतंत्रता मिलती है इन पांच आधारों पे जो है इन लोकतांत्रिक देशों की रैंकिंग जो है जारी की गई इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें जो है अगले चरण में सूची को देखा जाए तीन श्रेणी में फिर बांटा गया है जिसमें यह बांटा गया है कि पूर्ण लोकतंत्र कौन सा देश है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र कौन सा देश है और सत्तावादी शासन करने वाले राष्ट्र कौन से ये तीन जो है श्रेणियों में विभाजित किया गया जिसमें से भारत और अमेरिका को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में रखा गया है ठीक है यहाँ पे आपके सामने इंडेक्स है चाइना देखे वन फोर्टी एटवे स्थान पे पूरी तरीके से यहाँ पे लोकतंत्र जैसा कुछ है ही नहीं पहले स्थान पे नॉर्वे है लास्ट स्थान पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें कौन देखने को मिल रहा है अफगानिस्तान देखने को मिल रहा है भारत का स्थान छियालीसवां है और 104 अंकों के साथ देखा जाए तो पाकिस्तान है ठीक है यहाँ पे अगर आप साउथ यहाँ पे देखें तो जितने भी साउथ एशिया के देशों में देखा जाए तो भारत की जो है स्थिति काफ़ी हमें ठीक लग रही है बाकी के कंपेरिजन में चाहे आप बांग्लादेश की तुलना करें चाहे आप भूटान की तुलना करें यहाँ पर जो भारत की स्थिति काफ़ी ठीक है फोर्टी स्थान पर और सबसे दहनीय यहाँ पे वन सिक्सटी स्थान वन अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है ठीक है तो ये था डेमोक्रेटिक इंडेक्स दो ग्लोबल रैंकिंग ठीक है आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने पांच ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएससी एकेडमी के साथ समझौता किया है पंजाब नेशनल बैंक भारतीय स्टेट बैंक कैनरा बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा करेक्ट आंसर इज बी है भारतीय स्टेट बैंक ने देखा जाए तो भारतीय स्टेट बैंक ने पांच ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएससी अकेदमी के साथ समझौता किया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एन नॉलेज हब हाँ प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन मैसिव ओपन पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम मंच के माध्यम से वित्तीय साक्षरता ठीक है ध्यान रखिएगा वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए पांच ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएससी एकेडमी के साथ जो है भागीदारी क्या है उद्देश्य क्या है बैंकिंग पेशेवर हैं जो जो छात्र हैं और जो अन्य शिक्षार्थियों को बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं की गहरी समझ प्रदान करना एन एस अकादमी की बात करें दोस्तों तो नेशनल एक स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के पूर्व स्वामित्व वाली यह एक सहायक कंपनी एनएससी अकेदमी जिसके साथ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने समझौता किया है किसके लिए पांच ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए ठीक है अंतिम एमसीक्यू पे आते हैं और यहाँ पे देखिए टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया है टॉम टॉम इंडेक्स के अनुसार दो इक्कीस में कौन सा शहर विश्व का पांचवा सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर था लखनऊ अहमदाबाद बेंगलुरु या फिर मुंबई करेक्ट आंसर इज़ डी है ठीक है मुंबई जो था ये विश्व का पांचवा सबसे बड़ा भीड़ भाड़ वाला शहर है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है कितने देशों को शामिल किया गया था इस इंडेक्स में 58 देशों के जो है 404 शहरों को जो है वो शामिल किया गया था और इन 404 शहरों के अध्ययन के आधार पर जो है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने एक सूची जारी की है जिसमें 2021 में जो मुंबई जो है भारत का सबसे अधिक और विश्व का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर जो था एक साल पहले देखा जाए तो मास्को के बाद एक साल पहले देखा जाए तो मास्को के बाद यह वैश्विक स्तर का दूसरा सबसे बड़ा भीड़ वाला शहर रहा है ठीक है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स दो न यहाँ पे ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक देखा जाए तो बाम जो मुंबई में कम से कम पै यहाँ पे 53 फीसदी ट्रैफिक जाम पाया गया है इसका मतलब ये हुआ कि पंद्रह मिनट के जो रास्ता है अगर आप मुंबई में हैं और आपको किसी रा कहीं जाना है और आपके रास्ते की जो दूरी मात्र पंद्रह मिनट होगी तो आप इतनी ट्रैफिक होती है कि उस रास्ते को तय करने में आपको आधा घंटे का समय लग जाएगा इंडेक्स में बेंगलुरु को देखा जाए तो दसवां स्थान मिला है और जो है दिल्ली को ग्यारहवा स्थान मिला है और जो टॉप रैंकिंग है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला जो शहर है वो है इस्तांबुल जो कि तुर्की का एक शहर है यहाँ पे देखा जाए तो इस्तांबुल जो है सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे जो है भीड़ वाला शहर घोषित किया गया है और जबकि मास्को जो है रूस की राजधानी मास्को को दूसरा स्थान मिला है ठीक है तो ये था हमारा कुछ अपना जो है यहाँ पे एम टेन एम थे अब आ जाते हैं दोस्तों हम आज के डे पे तो दोस्तों पहला जो फैक्ट्स ऑफ द डे है कि 4 सितंबर 2022 को विश्व कप साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा कहाँ पे किया जाएगा लद्दाख की राजधानी लेह में किया जाएगा तो विश्व कप साइकिलिंग प्रतियोगिता सितंबर में आयोजित होने वाली लेह में होगा राजनीतिक पार्टी ने रेस्लर द ग्रेट खली को पार्टी में शामिल किया तो किस राजनीतिक पार्टी में द ग्रेट खली शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं डॉक्टर एम गंगाधरन का निधन हो गया है वो किस लिए जाने जाते थे तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे डॉक्टर एम गंगाधरन निर्वासित तिब्बत सरकार ने नए तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन किया कहाँ पे किया धर्मशाला में किया ठीक है हिमाचल प्रदेश के फरवरी 2022 में आयोजित होने वाले पैंतालीसवें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की फोकल टीम देश कौन होगा तो ये बांग्लादेश होगा और नेक्स्ट है कि ई क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया किसे किया गया है कैन विलियमसन को किया गया है अगला है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है किसने किया है सॉफ्टवेयर कंपनी सोनाटा ने किया है और अगला है रिलायंस कंपनी ने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में हिस्सेदारी की है कितने परसेंट की फोर्टी की ठीक है कर्नाटक का जिला है जो स्कूल में हिजाब बैन को लेकर के इस समय काफी चर्चा में रहा है उसका नाम है उदुप्पी जिला ठीक है काफी ये चर्चा काफी मुद्दा, गर्म मुद्दा चल रहा है ठीक है आप लोग वाकिफ होंगे इस मुद्दे से इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नए कोच बनाए गए हैं उनका नाम क्या है पॉल कॉलिंग जो है ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नए कोच बनाए गए हैं ठीक है तो अगले चलते हैं और हमारा अगला जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल है जिसमें पहला है कि यूपी में महिला पुलिस कर्मियों के लिए एसिड प्रूफ बॉडी प्रोटेक्टर बनाया गया है उसका नाम क्या है प्रज्वला नाम से ठीक है तो ये प्रज्वला जो है ये आ, महिला पुलिस कर्मियों के लिए एसिड फूड एसिड फ्रूट माफ करिएगा एसिड प्रूफ बॉडी प्रोटेक्टर जो है ये है प्रज्वला 27 फरवरी से लेकर के 28 मार्च तक पहली बार दिन रात यानी डे नाइट टी ट्वेंटी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है कहाँ पर होने जा रहा है कानपुर में होने जा रहा है ठीक है कानपुर के स्टेडियम का क्या नाम है आप मुझे बताइए और साथ ही साथ जो लखनऊ में जो है स्टेडियम बना है उसका मुझे नाम बताइए ठीक है उसका नाम क्या है अगला है नेशनल फीमेल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है तो यहाँ पे देखा जाए तो एक सौ एक हजार सत्रह है औषधीय पौधों के उपयोग पर ऑनलाइन सर्वे शुरू किया गया है कहाँ पे किया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय में किया गया है गोरखपुर की सहजनवा घाट रेल लाइन कि लंबाई कितनी है दोस्तों तो यहाँ पे देखा जाए अस्सी किलोमीटर है तो इस तरीके से तो आज का हमारा करंट अफेयर्स ठीक है बाकी दोस्तों डेली करंट अफेयर्स से संबंधित जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी कभी कभी लेट हो जाता है पीडीएफ को अपलोड करने में तो आप परेशान नहीं हुआ करिए कभी कभी टेक्निकल इशूज़ होते हैं बाकी जो है पी आपको डेली रहती है अवेलेबल हो जाती है तो इसका टेलीग्राम ग्रुप में है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करके उसको आप रिवीजन कर सकते हैं बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें ज्यादा ज़्यादा लोग को शेयर करें चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए बाय हैव अ गुड डे स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी